कल भी प्लीज फोन मत काटना। प्लीज एक बार मुझसे बात कर, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार। शर्म नहीं आती तुम्हें? जिसने शादी की उसे धोखा दिया और जिसे मंडप पर छोड़ कर आए उसे फोन पर बात कर रहे हो? समझ में नहीं आता, कल्पी को ना तुम्हारी शक्ल देखनी है ना तुमसे बात करनी है। आइंदा से फोन मत करना। अगर कल्पी मुझसे बात नहीं करना चाहती तो ठीक है, मैं फोन नहीं करूंगा, पर कमला माँ मत कहना। माँ कहने कहा तुमने खो दिया है राघव सिंघानिया। कल्पी की चुप्पी तुम्हारा जवाब है। दोबारा यहाँ फोन मत करना। क्या हो गया कमला? क्या हो गया? कुछ नहीं मिमसा, आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? आई तो कितनी अच्छी है ना, सबका ख्याल रखती है। हमारे घर में गर्मी बहुत है, दो तीन एसी लगवा देते हैं, है ना? पक्का? मार्केट से सब्जी लेकर आ जा। कल्पी, उसके लिए आंसू मत बहा बेटा, जो उसका मूल्य नहीं समझता। भूल जाओ उसे, अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर। कल्पी, जिंदगी में कुछ चीजें हमें मिलती हैं और कुछ चीजें हमें खोनी पड़ती हैं बेटा, लेकिन इससे जिंदगी खत्म नहीं होती। हम सपने देखना बंद नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कितनी कोशिश कर रही हूं मैं, ना ही अपने मन से और ना ही अपनी जिंदगी से मैं राघव को बुला नहीं पा रही हूं। मैं जाती हूँ बेटा, लेकिन तू ही कहती है ना किसी ने हमारे आंखों में आंसू दिए तो क्या हम हंसना छोड़ देंगे, किसी ने हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया तो क्या हम खाना छोड़ देंगे, किसी ने हमारी जिंदगी से खेला तो क्या हम जीना छोड़ देंगे। जब हमारे बिना उनकी जिंदगी चल सकती है तो उनके बिना हमारी जिंदगी दौड़ सकती है। मैं जानती हूं कि ये बहुत मुश्किल है तेरे लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं है बेटा, तुझे जीना होगा अपनी आई के लिए। राजकुमारी है तू, तेरे बाबा के लिए जीना होगा। जिंदगी आसान नहीं है कल्पी, लेकिन अगर तू सोच लेगी ना तो सब कर पाएगी। और देखना, एक दिन कल्पना विट्ठल जाधव और बड़ी मिमसा बनेगी।
कैसे तुम्हें समझाऊं कल्पी कि मैं कपूर से बदला लेना चाहता था, मगर तुम्हें धोखा देना नहीं। मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करता हूं। आज मेरी किस्मत मुझे तुमसे दूर ले गई है। काश जिंदगी में वही होता जो हम चाहते। कितने सपने देखे थे तुम्हारे साथ, कितने खुश थे हम दोनों एक साथ। क्यों हुआ ये सब, क्यों? क्या हुआ बेटा, क्या बात है? बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी कुछ मुश्किल दूर कर सकूं। अच्छा ठीक है, तुम नहीं बताना चाहते हो मत बताओ, लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है कि दिल का दर्द बांटने से मन को बड़ा आराम मिलता है। नहीं अंकल, ये दर्द हल्का नहीं होगा, क्योंकि इसे मैंने खुद लाया है। मैंने सब कुछ खो दिया, अपना प्यार, अपनी जिंदगी, सब कुछ, जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता था, उसी का दिल तोड़ा। और ये बोझ जिंदगी भर मेरे सीने से नहीं उतरेगा। बेटा, बरसों पहले मैं भी किसी लड़की से प्यार करता था, लेकिन मुझसे ये गलती हुई और मैं अपना प्यार हमेशा हमेशा के लिए खो बैठा। आज भी मैं इस जगह पर रोज आता हूं, इस उम्मीद पर कि शायद वो मिल जाए, लेकिन इतने साल बीत गए, वो आज तक नहीं मिला। प्यार को खोने का दर्द जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द होता है। अगर तुमने कुछ गलती की है तो जाओ उसके पास, उससे जाकर बात करो, उससे माफी मांगो। एक बात सही कही तुमने, जिससे प्यार करें उसका दिल तोड़ने का बोझ सीने से नहीं उतरता। जाओ बेटे, जाकर मिलो उससे। राघव कहां गायब हो गया, ऊपर से फोन भी नहीं उठा रहा है। अरे कहां चला गया था राघव? अच्छा सुन, तुझे पता है भाटिया जी के साथ मीटिंग थी, मित्रा वाली डील भी फाइनल हो गई, पूरे 10 करोड़ का प्रॉफिट मिलेगा। सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं? क्या कर रहा है तू? मैंने कल्पी से वादा किया था कि इस फूल की तरह मैं हमारे प्यार को मुरझाने नहीं दूंगा। मेरी वजह से कल्पी की जिंदगी में तूफान आया है ना, मैं उसकी जिंदगी में इतनी खुशियां भर दूंगा कि वो अपने सारे गम भूल जाएगी। उसे खुश रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं समी, मुझे कल्पी से मिलना होगा। मैंने उसे एक लेटर भी भेजा है कुरियर से, पता नहीं उसे मिला या नहीं मिला, लेकिन उसके घर जाकर उससे मुझे मिलना होगा। मगर कल्पना अभी तुझसे नहीं मिलना चाहती है, ऊपर से कमला आंटी और विठ्ठल अंकल भी तुझसे नाराज है। ऐसा ना तेरे वहां जाने से उनका गुस्सा और भी बढ़ जाए। मैं जाऊंगा सन, जरूर जाऊंगा, मिलूंगा उससे, अंजाम चाहे जो भी हो, मुझे कल्पी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, खुद मैं भी नहीं। इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे उसे मनाना होगा।
और कुछ लाऊं मैं ऐसा? नहीं काफी है, थैंक्स। अच्छा मैं कपड़े लेकर आती आज। तुम्हें क्या लगता है मुझे बहुत मजा आ रहा है क्या? तो कुछ करो ना, जाके कोई घर किराए पर ढूंढ के लाओ। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे घुटन हो रही है। पैसे को और घर का इंतजाम मैं कर रहा हूँ, जैसे कुछ होगा बताऊंगा मैं, लेकिन अभी जो मिल रहा है उसे काम चलाओ ना। कब होगा इंतजाम? मेरे मरने के बाद? तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं पता, कुछ करो। अरे कर ही तो रहा हूँ, जो मिला चैन से वो भी नहीं खाने देती है। जाके खुली हवा में बैठती, घुटन होने लगी है यहाँ पे सच्ची। कल्पना जाधव आप ही हैं? जी। आपके नाम का कुरियर है, यहाँ साइन कर। कल्पी। अरे आई ला। अरे इन लोगों ने खाना नहीं खाया? कल्पी तो मेरे नजरों के सामने है, इसे तो मैं संभाल लूंगी, मगर पता नहीं मेरी बाकी किस हाल में होगी। उसके पास तो ना सगी माँ है और ना मैं। मुझे उसे फोन करना चाहिए, दो बात कर लूं तो उसका मन भी हल्का हो जाएगा। मैं अभी आती हूँ बेटा। हाँ मैं चांद में भी तलाशती थी, आज मेरा चेहरा क्यों नहीं देखना चाहता? ऐसा क्यों किया राघव तुमने? मेरी हर सांस में तुम थे राघव, तुमसे ज्यादा मैंने दुनिया में कुछ भी नहीं चाहा। कब तक मुझे उस गलती की सजा दोगे राघव जो कि मैंने की भी नहीं? कब तक मुझे तुमसे प्यार करने की सजा दोगे तुम? हेलो कमला माँ, कैसी है बेटा? कैसी हो सकती हूँ कमला माँ, राघव तो मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहता, यहाँ तक कि मुझसे बात भी नहीं करता वो ढंग से। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है कमला माँ। नहीं नहीं ऐसा मत बोल, देख धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बाकी कभी कभी रिश्ते बुरे हालात में जुड़ जाते हैं, हम जैसा सोचते हैं ना वैसा कुछ नहीं होता बेटा। कभी कभी रिश्ते जुड़ते हैं इसीलिए निभाने पड़ते हैं, और कभी कभी निभाते निभाते भी रिश्ते जुड़ जाते हैं। लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कमला माँ, मैं क्या करूं और क्या ना करूं? देख तुझे वही करना है जो हर पत्नी करती है। बाकी कल सवेरे उठ, अच्छी तरह से नहा धो ले, देवा को नमस्कार कर, और अपने सासू और पति के लिए वो मीठा शीरा सिखाया ना मैंने तुझे, वो बना, याद है ना? जी याद है मुझे, मैं कल सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी पहली रसोई बनाऊंगी। भाई कमला माँ, देवा मेरे दोनों बच्चियों को आशीर्वाद दे। Thank you.
को यहीं बुलाया था? वो आएगी, जरूर आएगी। यकीन था तुम आओगी कल भी। एंड थैंक यू कि तुम आई मेरी बात सुनने। मैं अपने दिल की बात सिर्फ तुम्हें कह सकता हूं और तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। मैंने पाखी से शादी सिर्फ कपूर से बदला लेने के लिए की। मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूं और ये फीलिंग कोई बदल नहीं सकता। बाकी सिर्फ नाम के लिए मेरी वाइफ है, मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं। वो मेरी वाइफ की जगह नहीं ले सकती, वो जगह सिर्फ तुम्हारे लिए है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। एक बार मैं अपना बदला पूरा कर लूं, फिर हम शादी कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या है। तुमने जो कुरियर भेजा था वो कल्पी के हाथ नहीं, मेरे बेटे के हाथ लगा था। साले अमीर ज़ादे ने हमारी कल्पी के लिए ये सब भेजा है, ये देख। और ये लेटर भी है साथ में, इसमें लिखा है आज रात को मुझे चौल के पीछे मिलना। छोड़ेगा नहीं उस साले सेठ को, भी बताता हूं। क्या मारपीट करने से कुछ नहीं होगा बेटा, राघव सिंघानिया से बात मैं करूंगी, इस बात को खत्म मैं ही करूंगी पक्या। और मैं बात खत्म करने ही आई हूं राघव सिंघानिया। अगर तुम्हें लगता है कि सॉरी का कार्ड भेजने से, अपनी गलती महसूस करने से तुम्हें माफी मिल जाएगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि कुछ गलतियां नहीं गुनाह होती है। जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया, मेरे पूरे परिवार के साथ किया, वो गलती नहीं गुनाह, और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, माफी नहीं।